नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 20 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 20 बड़ी खबरों पे। कश्मीर हमला, लश्कर के संगठन टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। रैकी के बाद टनल साइट पर फायरिंग, 6 मजदूरों की हुई मौत। चंद्रबाबू बोले, लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं भविष्य में वही चुनाव लड़ेंगे। हड़ताल पर गए रेजिडेंट्स का लाइसेंस करे निरस्त। इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट के SMS मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को लिखा पत्र। जयपुर में करवा चौथ पर पति पत्नी ने किया सुसाइड। युवक के घर देर से पहुंचने पर हुआ झगड़ा, महिला ट्रेन से कटी, पति फंदे पर झूला। दिल्ली CRPF स्कूल ब्लास्ट, खालिस्तानियों ने जिम्मेदारी ली, कहा कभी भी हमला कर सकते हैं। पुलिस की जांच शुरू, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी। इजरायली हथियार कंपनियों के खिलाफ फ्रांस का फैसला, प्रदर्शनी में एंट्री बैन। विदेश मंत्री बोले, मैक्रों के खिलाफ कानूनी कदम उठाएंगे। यूपी में कानून का राज बनाने में पुलिस की भूमिका, लखनऊ के CM बोले, 68 में से 31 माफियाओं को सजा दिलाई, 2 को मिली फांसी। लखनऊ में 20 दिन में डेंगू के 1062 मरीज मिले। बलरामपुर अस्पताल में बुजुर्ग महिला की मौत, 24 घंटे में मिले 64 मरीज। गांदरबल आतंकी हमला, NIA की 4 सदस्यीय टीम आज दोपहर स्पॉट पर जा सकती है। महाराष्ट्र चुनाव, आज शाम तक सब कुछ साफ हो जाएगा, सीट शेयरिंग पर बोले संजय राव। आतंकी पन्नू ने दी प्लेन उड़ाने की धमकी, इंटरनेशनल यात्रियों से बोला मत करो भारत की यात्रा। दुनिया में मची उथल पुथल के बीच भारत उम्मीद की किरण बना। PM मोदी बोले, हमारा देश आशा का संचार कर रहा है। विज्ञा करण और जौहर का धर्मा प्रोडक्शंस, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने ली हिस्सेदारी। शिमला में संजोली की विवादित मस्जिद में अवैध निर्माण को आज कमेटी द्वारा खुद गिराए जाने की तैयारी। रायबरेली में 3 युवकों की मौत, 2 बाइकें बिजली के खंभे से टकराई, 1 की हालत गंभीर। अमेरिकी गायक कृष्णदास के कीर्तन में शामिल हुए विराट, अनुष्का पहला टेस्ट हारने के बाद बेंगलुरु से मुंबई पहुंचे। MP के दक्षिणी हिस्से में 2 दिन बारिश का अलर्ट। जबलपुर नर्मदापुरम संभाग में आज गिरेगा पानी। पंचमढ़ी में 14.8 डिग्री पहुंचा रात का तापमान। उज्जैन में महाकाल के भक्तों को सुविधा, सुगम दर्शन सुरक्षा, वन्य सुविधाओं के लिए बनेगी SOP। तेज प्रताप के नामांकन में पहुंचे अखिलेश और डिम्पल। दिल्ली स्कूल ब्लास्ट, पॉलिथीन में विस्फोटक रखा था, 1 फीटर गहरे गड्ढे में छिपाकर कचरे से ढका। NSG समेत 4 सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। इस टॉप 20 न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।